आपको तो जाकर देखिए ना सुबह गिना तो फिर अगर बनाएंगे तो फिर अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज रावण भाई सोने वाले हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। आज मैं कुछ ऐसे गेटअप में आ चुका हूँ और हम लोग जाने वाले हैं अयोध्या। मैं हूँ और हमारे साथ तीन और बंदे हैं, एक गिजवान इंसान और गिजवान इंसान के दो फ्रेंड। ये रहे हमारे सामने गिजवान इंसान। हम लोगों का प्लान बन गया था जाने के लिए कल ही की डेट में, तो आज हम लोग जा रहे हैं 22 अक्टूबर को रात के 9 बजे हम लोगों के यहाँ से ट्रेन है। ठीक, दो बंदे लोग और है और ये हम लोगों का बैग रहा जिसमें कुछ कपड़ा है। अगले पार्ट में आपको अयोध्या का ब्लॉग देखने को मिलेगा, इस वाले में हमारी जर्नी देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए हमारे ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रही मेरी मम्मी, मम्मी के पैर छूते भाई। बाइक से हमारा भाई छोड़ने वाला है स्टेशन तक। तो ये दो महान व्यक्ति आ चुके हैं हमारे साथ, एक है हमारे पिंटू भैया, एक है हमारे पंकज भैया। हमारे साथ एक और शख्स मिल चुके हैं, ये समाजवादी के कर्ता धरता है, यादव जी हैं। तो यादव जी को तो समझ ही सकते हो। मैं इस बार जो है कि दूसरी बार जा रहा हूँ अयोध्या नगरी। माय शुगर शुगर फर्स्ट टाइम नोनी भैया, फर्स्ट टाइम। हेलो, ये है हमारे अंकुश भैया, विजय का बहुत खास मित्र। क्या हुआ भैया, पिंटू भी आगे बढ़िया आगे बढ़िए। क्या होता उठा, अरे उठ जाइए, ऊपर बैठ लो। ए पिंटू भैया, अरे उठो बस, डायरेक्टली उठो बस, आप उठो बस, जाके बैठो सर आराम से। सबको उठाइए ना, लड़ने के लिए तैयार है भाई। इसमें तो काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है। उठो बस, अपने आप से उठो बस, यहाँ से बैठो सर भाई, यहाँ चढ़ के बैठो, बैठने के लिए बताओ। बैठने के लिए समझ नहीं आ रहा है, बैठने बैठने के लिए बैठ जाओ, सामने वाले पे मारे। ए मारने वाला बात नहीं, चचा मारने के जूतों निकाल के बैठ, आराम से उठ भी बैठे, नहीं है आप उठिए, एक इंसान उसमें बैठेंगे, दो इंसान इसमें बैठेंगे। उठो उठो बस, सीधा से बात है, हम लोग लड़ाई कर रहे थोड़ी आए हैं, हम बैठने के लिए ना आए हैं लड़ाई कर, तब हम लोग भी बैठने के लिए। ए जूता निकाल, खींच के उतार दिया, हमेशा लड़ना है। अच्छा ये बता, तो फिर अगर बनाएंगे तो फिर नहीं, यहाँ वीडियो बना रहे, इनको दिक्कत हो रही है, बनाइए इसमें, बनाओ वीडियो, अगर बनाना तो बना सकते हो इसमें। अरे ठीक है, बिल हमारा साथ ही यहाँ बैठा है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। बैगवा पकड़ो बात, बैगवा पकड़ो ना, पंकज बैगवा पकड़ो, बैठ जाओ, तुम बैठ के चलोगे कि नहीं चलोगे। अभी हम सभी लोग ना शिफ्ट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पंकज भैया वहाँ पे बैठे हैं और दो हमारे जो भाई लोग हैं ना वो बैठे हैं पीछे। जनरल बोगी का हाल आप लोग समझते ही होंगे, जनरल बोगी का क्या हाल होता है।
Enemies ahead. देख देख कैसे वो लोग देख रहा है। देख देख कैसे। अभी ऊपर से नीचे का सीट मिल चुका है जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। Enemies ahead. गिजवावन भाई सोने वाले हैं और गिजवावन भाई के मित्र पिंटू भैया वो सो चुके हैं ऊपर। जनरल बोगी में कोई सो जाए बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, बहुत बड़ी बात है, लोग इसमें सो जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे महारथी लोगों को सीट मिल जा रही है सोने के लिए और कुछ लोग तो बस ऐसे ही खड़े हैं, इनका क्या होगा भैया? हालातों से लड़ना पड़ता है तो रहने दो फिर। देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, इधर भी लोग खड़े हैं भाई। अभी वहाँ से सीट छोड़ के मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और मुझे दिखाई देगा यहाँ बाहर का व्यू, बहुत अच्छा लगेगा मुझे यहाँ का व्यू देख के। Enemies ahead. Not a problem. तो भाई अभी हम रुक चुके हैं शाहगंज रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है करीब 12:21 पे दिखा रहा था और चलने वाली है 1:05 पे। ये देखो भाई ये रहा शाहगंज का रेलवे स्टेशन, अभी यहाँ पे आधा घंटा और रुकने वाली है, आधा घंटे के बाद यहाँ से फिर खुलेगी तो हम लोग चलेंगे। ये रही यहाँ की पब्लिक उतरी हुई अपना रात के 1 और नाश्ता पानी कर रही है इस टाइम पे, ये भी सही है, समय समय से सब जरूरी है भाई। ये बैठे रहे सामने गिजवावन इंसान, ये देखो यहाँ बैठ के ये लोग चिल कर रहा है। भाई दूसरे का स्लीपर पहन के जा रहा हूँ टॉयलेट के अंदर, वो भी पूरा गंदा वाला हाल हो रखा है, क्या बताऊँ। ये क्या ही मैंने देखा, पूरा यहाँ पे गंदगी है भाई। अभी मैं ना ट्रेन के डब्बे से बाहर निकला हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा वहाँ के टॉयलेट का क्या हाल हो रखा था, पूरा बवासीर वाला हाल हो रखा था। इंडियन रेलवे का हाल वैसा ही होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा। टाइम हो चुका है 12:56, 1:05 पे ये खुलने वाली है। रात के 1:00 ये दोनों शख्स घोड़ा बेच के सो रहे हैं अभी। क्या सर क्या हाल है। काफी मशक्कत के बाद मुझे भी सोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी हमारे पिंटू भैया के द्वारा। इस टाइम पे वो जाकर मेरे सीट पे बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि बस 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे सोऊंगा। कुछ भी कहो, स्टार्टिंग में जो लड़ाई हुई थी एक अलग ही लेवल की हुई थी और इसे गांव में कहा जाता है कि झंझोरवा झगड़ा शुरू हो गई। तो भाई अभी सुबह के 3:32 हो रहा है, फिर हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम जंक्शन और यहाँ पे हमारी टीम रही जो भी मुंह वगैरह धो के फ्रेश हो चुकी है। 2 साल बाद में अयोध्या में दर्शन करने के लिए वापस आया हूँ। ये दिख रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का सीन। भाई अयोध्या धाम जंक्शन में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ का पूरा 1 बवाल बनाया गया है स्टेशन के अंदर का। ये देखो कुछ ऐसा बनाया गया अंदर का, टट्टी के भी 10 रुपए देने पड़ रहे हैं ला भैया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये रहा दातुवन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। लोग निकल चुके हैं सरयू नदी के लिए